मित्रों, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का तैयार करेंगे। मित्र, वर्ष 2024 में धनतेरस कब है, जानिए सही दिन व तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मित्र, धनतेरस हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान ही प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोने चांदी के बर्तन खरीदना, शंख खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीदने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। मित्र, अब धनतेरस पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं। धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा में भगवान कुबेर, धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं, और पूजा करते समय कुबेर मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को सुगंध, अबीर, गुलाल, पुष्परोली, अक्षत आदि चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें, और उन्हें खीर का भोग लगाएं, और भगवान धन्वंतरी को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं, और पूजा के अंत में कपूर से आरती करें। फिर घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के लिए दीपक जलाएं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी, बर्तन, धनिया, झाड़ू, नमक आदि खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि परिवार पर सदा बनी रहती है, और धनतेरस के दिन कोई भी एल्युमिनियम से बनी चीज नहीं खरीदना चाहिए, और ना ही धनतेरस के दिन कोई भी धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पीन, सुई आदि नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना अशुभ माना जाता है और घर में कंगाली आती है। मित्रों, अब पूजा करने का शुभ मुहूर्त को भी जान लेते हैं। मित्रों, अब आपको बता दें कि वर्ष 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 पर। त्रयोदशी तिथि खत्म होगी 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:20 पर। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:30 से लेकर रात 8:12 तक रहेगा, यानी पूजा करने की कुल अवधि है 1 घंटे 39 मिनट। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:37 से लेकर रात 8:12 तक रहेगा।